A tetrapeptide has CWH group on alanine. This produces glycine valine. ये देखिए चार आपको अमीनो एसिड दिए गए हैं ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. इन्होंने कहा कि जब आपका एलेनिन है सपोज राइट उसको जो टेट्रापेप्टाइड है इसमें जब ये इसने हाइड्रोलिसिस किया तो चार ही ग्रुप बने. फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस बताने हैं. अब देखिए कुल मिला के है क्या सवाल कि आप मल्टी देखिए इसमें क्या पूछा है क्या कि जब भी टेट्रापेप्टाइड बनाने यानी बाकी चीजों को छोड़ू तो मैं जो बेसिक लिंकेज है टेट्रापेप्टाइड है यानी तो चार इस तरह के यूज किए होंगे राइट राइट गाइज सी डब्ल्यू एच एन एच टू. अब इन्होंने क्या कहा है कि जो सी डब्ल्यू एच ग्रुप है राइट वो एलेनिन पे है राइट यानी एलेनिन कौन सा ये वाला इसने. अब देखिए ये जब बनेगा तो ये एच टू ये निकला एच टू ये निकला एच टू तो कुल मिला के जो लिंकेज बन जाएगी वो किस तरह से बन जाएगी सीओ एन एच सीओ एन एच सीओ एन एच. यानी अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रुप का तो जो ये होंगे ये देखिए ये वैलेंसी अलग है ये कंफ्यूज मत होइएगा. एक ग्रुप का तो NH2 रह गया और एक का राइट में CWH बाकी के CWNH पेप्टाइड लिंकेज आ गए. तो इसमें इसने ये कहा है कि जो राइट में जो CWH ग्रुप है वो एलेनिन से मिल रहा है. यानी अब मुझे इनका ऑर्डर बताना है कि सपोज ये GLY है ये VAL है ये PHE है राइट तो मुझे कि चार जो मुझे चार मॉलिक्यूल दिए हैं अरेंज बताओ करके क्या कि मुझे टेट्रापेप्टाइड बनाना. अब देखिए एलेनिन तो फिक्स हो गया यानी ALA राइट साइड में मैं इसे हटा दूं ये समझ में आ गया होगा आपको राइट एलेनिन तो फिक्स हो गया राइट साइड में ओके गाइस. नाउ अब इन्होंने क्या है कि फॉर दिस टेट्राइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सिक्वेंस विद NH2 ग्रुप. अब देखिए एलेनिन तो हो गया यानी तीन ये ग्रुप बढ़ने हैं मुझे इसमें क्या क्या आ सकता है प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन. नाउ गाइस एक चीज इसमें और कही है कि CWH तो एलेनिन का है लेकिन जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का है यानी कायरल सेंटर होना चाहिए राइट. यानी जो ये दो का है ये जो NH2 है ये एक कायरल सेंटर होना चाहिए. ये तो फिक्स हो गया आपका एलेनिन है ये यहाँ पे वो ग्रुप ही हो सकता है जिसमें कायरल सेंटर है. लेकिन अगर आपको इन सबके स्ट्रक्चर याद होना गाइस तो अगर इकलौता एक GLY यानी ग्लाइसिन जो है ग्लाइसिन मैंने आपको बताया था अभी स्ट्रक्चर सबसे बेसिक होता है ग्लाइसिन तो ग्लाइसिन में ऑप्टिकल जो कायरल सेंटर है वो नहीं होता यानी ये दो एच ही होते हैं इधर तो कायरल सेंटर नहीं है. इसका मतलब इधर भी आपका क्या है ग्लाइसिन नहीं आ सकता राइट. अब क्या बचा ग्लाइसिन देखिए इधर आ सकता है इधर आ सकता है यानी ALA GLY और इसमें GLY इधर लिख दिया सपोज राइट गाइस. नाउ अब बचा कौन सा VAL और PHE. अब इनको अरेंज कर दें सपोज VAL मैं इधर फर्स्ट पे लिख देता हूँ PHE इसके बाद में. अब PHE अगर मैं फर्स्ट पे लिख देता हूँ राइट तो इसमें क्या हो जाएगा ALA जैसे यहाँ पे ग्लाइसिन था इधर ग्लाइसिन सिमिलरली यहाँ पे ग्लाइसिन लिख देता हूँ एक यहाँ पे ग्लाइसिन लिख देता हूँ. सो PHE था VAL यहाँ पे आ जाएगा VAL यहाँ पे आ जाएगा राइट गाइस. सिंपल बन गया आपका स्ट्रक्चर PHE जैसे PNC में करते हैं वैसे लिख दिया कंडीशन फिक्स कर दी थी इन्होंने. सो जो आपका आंसर हो गया इसमें कितने अरेंजमेंट पूछे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सिक्वेंसिस से आपका जो बन सकता है 1 2 3 एंड 4. सो 4 इज आर करेक्ट आंसर.